नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे खेलों की, क्योंकि बिना खेल के ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। अगर खेल है तो आप फिट हैं, आप स्वस्थ हैं और आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। खेल और खिलाड़ी, यानी जो खेलने वाला होता है उसे खिलाड़ी कहते हैं। बात बिहार की करें तो यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें बिहार से बाहर जा कर के किसी और स्टेट से खेलना पड़ता है और फिर नाम हो जाता है किसी और स्टेट का और बिहारी तो बस नाम मात्र का रह जाता है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं लाई गईं, जिसमें से एक योजना थी खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के जरिए ये शपथ था कि हम खेलेंगे और खिलाएंगे और भारत को स्वस्थ बनाएंगे और भारत को आगे तक ले जाएंगे। ये इसका जो है मेन मोटो था और इसके जरिए बहुत सारी जो है मुख्य बातों को जोड़ा गया था, जिसमें हर एक रीजनल लेवल पे जो है इंडोर स्टेडियम से लेके आउटडोर स्टेडियम जैसे स्टेडियम बनाने की बात थी। रीजनल स्तर के जो खिलाड़ी थे उनमें टैलेंट हंटिंग की बात थी। इसके अलावा महिलाओं से को भी जो है खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की बातें इसमें थी। इस पूरे तरीके से मिला करके इसमें करीब करीब जो है 10 ऐसे इसके टारगेट पॉइंट्स थे जिसको पूरा करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था और केंद्र सरकार की यह योजना अब जमीनी स्तर पे भी कार्य करती हुई नज़र आ रही है और इसी का एक नमूना जो है पूर्णिया में दिखाई दिया। इस रिपोर्ट को ज़रा सुन लीजिए। कोसी और सीमांचल के खिलाड़ियों के लिए सोमवार का दिन काफ़ी खास रहा। बता दें कि सोमवार को खेलो इंडिया योजना के तहत साई सेंटर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किशनगंज के अधिकारी अजय कुमार सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने की प्रक्रिया के फिजिकल वेरिफिकेशन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम और रंगभूमि मैदान का मुआयना किया। साथ में पूर्णिया विश्वविद्यालय के खेल अधिकारी अमरुल हसन भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने भी बारीकी से एक एक बात साई सेंटर के अधिकारी को बताई। फिजिकल वेरिफिकेशन करने पहुंचे साई सेंटर किशनगंज के अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पूर्णिया में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने से यहां के खिलाड़ियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पटना के बाद अगर यहां पर ट्रैक बनता है तो खिलाड़ियों के लिए यह वरदान साबित होगा। कल हम लोग वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके नए प्रोजेक्ट को चूँकि कुछ शिफ्ट होना है इसमें भेजा जाएगा और यह कम इम्प्लीमेंटेशन हो इसका, यहाँ ये बने इसके लिए हम लोगों को जो भी करना होगा हम लोग तैयार हैं। और बहुत अच्छी एक बात है, पूर्णिया के गौरव की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में ये ट्रैक बनने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो पदाधिकारी लोग आए हैं इन लोगों का सहयोग मिले तो निश्चित रूप से बनेगा। 8 लेन का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं मल्टीपर्पस हॉल बनाने को लेकर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सचिव ने जारी किया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव के 30 बिंदुओं के अनुरूप खेलो इंडिया योजना के आवेदन को अनुमोदित करते हुए छात्र एवं युवा कल्याण, खेल, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के विश्वविद्यालय में 2 खेल और संरचनाओं यथा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और मल्टीपर्पस हॉल के तकनीकी अनुमोदन करके निर्माण के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था। जी सर, बताइए यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? सर यहाँ पर आए हैं हम लोग देखने के लिए आए हैं, एक प्रोजेक्ट गया है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से 8 लेन एथलेटिक ट्रैक का, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं। कोसी और सीमांचल को इससे कितना सारे को लाभ होगा? एथलेटिक ट्रैक बिहार में एकमात्र पटना में है, यदि यहाँ पर बनता है तो पूरा सीमांचल डिस्ट्रिक्ट इसका लाभ लेगा। कितने का सर बजट है? ये तो अभी बजट के बारे में हमको पता नहीं है इतना कितने का क्या है। ये यहाँ से जाएगा प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, खेलो इंडिया तक इसका है। सिंथेटिक कोर्ट की बात सामने आ रही है, इसके साथ ही और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की बात चल रही है। सिंथेटिक ट्रैक में 2 इवेंट होता है, समझेगा ना, एक तो होता है रनिंग इवेंट और दूसरा फील्ड इवेंट। तो फील्ड इवेंट भी साथ साथ रहेगा ना, बीच में फील्ड इवेंट का जैसे जेवलिन थ्रो, शॉट पट, डिस्कस, हमर थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसका भी बनेगा।
लंबे समय से देख रहे हैं कि इसकी मांग हो रही थी, लेकिन अब जब इसका सपना साकार होता है तो खेल के को लेकर अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पे कितने उभर कर सामने आएंगे? देखिए, यहाँ पर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसके लिए प्रयासरत हमारे पूर्व भाई चांसलर डॉक्टर राजेश सिंह किए, उसके बाद अभी डॉक्टर अरुण यादवा सर जो है वो कर रहे हैं, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस इलाका में कम से कम एक अच्छा मल्टीपर्पज़ हॉल और एट लेन सिंथेटिक ट्रैक बन जाए। उससे यहाँ का सीमांचल के तो सीमांचल का बिहार स्टेट को भी अगर बड़ा बड़ा आयोजन करना पड़ेगा खेल कूद का, उसमें आराम से इसमें आयोजन होगा। प्रयास तो है, अब आए हैं इंस्पेक्शन मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद हमको लगता है कि बहुत शीघ्र ही सारी प्रक्रिया जो है ना पूरी की जाए। आपको बता दें कि पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में अब तक ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं है जहां एक ही छत के नीचे कई खेलों का आयोजन किया जा सके। वर्तमान में किसी भी जिले के विश्वविद्यालय में ऐसा कोई स्टेडियम मौजूद नहीं है जहां एक साथ कई खेलों का आयोजन हो सके। इस मल्टीपर्पस स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, शतरंज आदि खेलों का आयोजन हो सकेगा। वहीं सिंथेटिक ट्रैक से एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। बताते चलें कि पूर्णिया के अलावा आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 0 माइल स्थित नूतन परिसर में भी ऐसे ही मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्णिया में जो है अब केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत जो है सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे, साथ ही साथ इंडोर स्टेडियम डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बहुत सारे खेल जो कि इंडोर स्टेडियम में खेले जाते हैं और उनके खिलाड़ी जो है यहाँ पर सीख सकें, एथलेटिक बन सकें, या फिर फुटबॉल खेलने वाले हों, या फिर वॉलीबॉल खेलने वाले हों, या फिर बास्केटबॉल खेलने वाले हों, या फिर टेबल टेनिस खेलने वाले हों, उन सबको बराबर का मौका मिल सके, उन सबको बराबर का प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए यहाँ के विश्वविद्यालय की में जो है ख़ासतौर पे एक नया स्टेडियम डेवलप किया जा रहा है। सिर्फ बिहार के पूर्णिया में ही नहीं बल्कि बिहार के कई अन्य ज़िलों में भी जो है इस तरीके के जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा वक्त आने वाला है। आपको बता दें कि पूर्णिया से हमारे लिए ये रिपोर्ट भेजी थी अमित रंजन ने, और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमें शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।